मित्र और चरित्र, इत्र भी है, मित्र भी है और चरित्र भी है। यह यूपी की सियासत है, जहां सपा के पी जैन पर रेड सही या गलत आज सियासी सवाल खड़ा कर रही है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पर छापेमारी तेज हो गई है, एक के बाद एक छापेमारी के बाद सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या? सवाल यह कि क्या चुनाव नजदीक आते ही छापेमारी का दौर तेज हो चला है? पार्टी नेता पर जांच की आंच आई, जब आंच पहुंची जांच की तो खुद मोर्चा संभाला अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, मोर्चा संभालना पड़ा और इसे सियासी साजिश का हिस्सा करार दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सियासी साजिश का हिस्सा है। आईटी यानी आयकर की छापेमारी को बीजेपी का चुनावी हथियार अखिलेश यादव बता रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यह इनकम टैक्स की रेड कन्नौज को बदनाम करने की एक साजिश है, कन्नौज को बदनाम करने के लिए यह आईटी की रेड की गई। उधर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रैलियों में रेट बढ़ाने पर सरकार की साफ सोच को दर्शा रही है, यानी एक तरफ आरोप यह लग रहे हैं कि यह रेट सियासी है, इनकम टैक्स की रेट, और दूसरी तरफ सरकार इसे सियासी हथियार बता रही है। चुनावी रैलियों में, मंचों पर योगी सरकार वार पर वार कर रही है। अब मोर्चा अमित शाह ने भी संभाल लिया है, गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, यानी सीधे तौर पर चुनाव से पहले यह रेड सियासी रेड इस वक्त सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। आज तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इस खबर को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज इस खबर के इतर एक खबर मैच मंच के जरिए उठाऊंगा, एक सवाल उठाऊंगा, छोटा सा सवाल, और उस सवाल का जवाब मैं सत्ता पक्ष से चाहूंगा। विपक्ष भी सवालों के घेरे में है, सवाल और जवाब के इतर, आरोप प्रत्यारोप के इतर एक महत्वपूर्ण सवाल गुम है, चर्चा उसी पर करूंगा। लेकिन पहले जरा तीन बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे। और इधर दो हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। पैसा पहले भी था, लेकिन पहला व पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, यह दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी? अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो,
तो उस छापे की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। जो जांच एजेंसियां कोई छापा डालती हैं और वह छापे में अगर कुछ बरामद हुआ है और उसको बरामद हुए कुछ घंटे ही अभी बीते हैं और फिर कोई छापे की कार्रवाई वो 50 स्थानों पर चल रही है, एक स्थानों पर नहीं, उसमें कन्नौज से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर के दिल्ली और अनेक स्थानों पर आज ये छापे की जो कार्रवाई हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी का स्वयं की कंपनी है, स्वयं का कारोबार। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ शिल्पी चौधरी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है और अपनी बात बेबाक अंदाज से वो रखती हैं, लाल टोपी में आप देख रहे हैं। हमाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अभी उनका चेहरा भी साफ साफ दिखाई देगा हमें। हमाम साहब अभी पिक्चर में नहीं है, कुछ ही देर में कांग्रेस पिक्चर में दिखाई देगी। और साथ ही मेरे साथ एके मिश्रा इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक अंदाज के लिए तमाम न्यूज चैनल पर इनकी राय आप सुनते और देखते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख साहब मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा लेकिन एक किस्से के साथ। वो किस्सा ये है, वो वाली रेड जो थी वो गलत थी, जो वो वाली रेड थी वो गलत थी और कृपया इस वाली रेड पर ध्यान दीजिए, जो वो वाली रेड थी वो गलत थी, कृपया इस वाली रेड पर ध्यान दीजिए। और आगे मेरा ये कहना है के मिश्रा जी, रात को मास्क लगाएं और दिन में चुनावी रैलियों में भाग जाएं, रात को मास्क लगाएं और दिन में चुनावी रैलियों में भाग जाएं। तो अब देवेंद्र प्रमुख साहब मैं वो सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा जो तमाम न्यूज चैनल्स में पूछा नहीं जा रहा, मेरी मजबूरी है सर और आप जानते हैं मैं सवाल सत्ता से ही करता हूं। चलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं, शिल्पी जी अभी ये कहेंगी एक चुनावी हथियार बना दिया, चुनावी हथियार से वार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें घायल कर दें। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल, मैं तो कह रहा हूं सर केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे इनकम टैक्स की रेड का स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल सबको स्वागत करना चाहिए। जिन जिन के घर में काला धन है उनके घर में छापेमारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन प्रमुख साहब एक छोटा सा सवाल है सर, वो जिनके घर में छापेमारी चल रही है उनमें से कितने बीजेपी के नेता हैं, कितने बीजेपी के नेता हैं जिनके घर पर ये छापेमारी चल रही है सर, प्लीज वो लिस्ट दे दीजिए मुझे, बताइए सर कौन कौन से हैं, मारिए सबके घर छापेमारी, कोई बीजेपी का नेता है उसमें लिस्ट में है तो मुझे बताइए। शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जवाब भी जो है वो मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह से कहा है कि भाई उसमें छापेमारी या काले धन में किसी के घर में भी हो रही हो तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। मैं खुद कर रहा हूँ स्वागत सर, जी का बयान मेरे काला धन ये गया कहा नोटबंदी के बाद ये मुझे पता चल रहा है, नोटबंदी की आपकी कामयाबी सर ढोल तो पीटे नहीं आपने, ताली और थाली बजवाई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो बीजेपी के कौन कौन से नेता मुझे लिस्ट बता दीजिए जिनके घर पर ये छापे पड़ रहे हैं, बस छोटा सा सवाल। मैं बता तो रहा हूँ आपको, बताइए सर। मैं तिलक जी बोलता रहे हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए बस। मैंने अखिलेश जी का बयान पढ़ा है कुछ ही देर पहले, मैं देख रहा था एक बाइक में उनको अच्छे से बैठ के सुन रहा था, तो उनके चेहरे की हताशा और उनका बोलने का जो तरीका था, उन्होंने साफ कहा कि पहली वाली जो रेड है वो गलती से लग गई, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो बीजेपी का व्यक्ति था जिसके यहां लगी, ये अखिलेश जी का बयान है, किसी और का नहीं है। अब का जो है, अब के वाली लगी है शायद ये नाम था जिस पर लगनी थी, तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को आपके माध्यम से, चाहे वो किसी का भी नेता था, लेकिन 200 प्लस करोड़, 250 करोड़ के करीब जिसके घर में नगदी मिली है, किलो में सोना मिल रहा है, मतलब मान रहे हैं कि पहले वाली गलती रेट थी, घड़ियों के हिसाब से पहले गलत थी, वो किसी का भी कार्य, कृपया इस वाले पर ध्यान दें, कोई देश का गुनहगार है, 135 करोड़ लोगों का गुनहगार है। प्रमुख साहब मैं तो पीठ थपथपा रहा हूं आपकी, मेरे से नाराज हो रहे हो, दया नहीं है। अखिलेश जी और मायावती भी, अगली बात बता रहा हूं, किसी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि काला धन 60 वर्षों का इकट्ठा हो रहा है आज देश में, पता नहीं किस किस का हिसाब होगा। प्रमुख साहब
मेरे को धमकी दो मत, चाहे वो कांग्रेस हो, मुझे धमकी मत दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास नंबर सबका है। ना ना प्रमुख साहब, मुझे धमकी मत दो, मेरे पास तो सिर्फ एक कलम है, इसको नहीं खरीद सकते, है ना सर? देखिए हाँ, मेरे पास ये कलम, मैं इतना कह रहा हूं, मैं आपको इंडिकेट नहीं कर सकता। नहीं, और कलम ऐसी ताकत है ना कि उसको कोई नहीं कर सकता। मेरे एक छोटे से सवाल है, इसलिए जवाब दे दो सर। मेरे को एक सब सबका नंबर आएगा, आए सर सबका नंबर, मैं तो चाह ही रहा हूं सबका नंबर आए, पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है, किसने कितना काला धन इकट्ठा किया, वो भी नोटबंदी के बाद सर, है ना सर? नोटबंदी के बाद कितनी बड़ी उपलब्धि थी हमारी नोटबंदी, ये पता नहीं कहां से आ गए, किन्होंने इकट्ठा कर लिया काला धन। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रमुख साहब, मुझे प्लीज बताइए कौन कौन से नेता हैं। देखिए देखिए तिलक जी, नोटबंदी का जिक्र आपने किया और नोटबंदी पर काफी लंबी डिबेट हुई और नोटबंदी पर काफी चर्चा हुई सर, मुझे नाम बड़ी राजनीति हुई, मुझे और नोटबंदी जो है प्रमुख साहब क्यों घुमा रहे, सफल डिसीजन इसलिए रहा, नाम बताइए, 2019 का बहुमत और 135 करोड़ लोगों का समर्थन नोटबंदी के साथ था। ओके सर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मान गया आपकी पहले बात, से भी ज्यादा समर्थन सर, मैं मान गया आपकी बात, पहली बार लोगों ने बोला 2014 में सर, आप नोटबंदी पर लड्डू बटवाते नहीं, मैं क्या करूंगा बताइए, जो है समर्थन था वो मोदी जी की परीक्षा आपके प्रमुख, नोटबंदी, राम मंदिर, सीमाओं की सुरक्षा, मैं जान गया, 2019 का चुनाव, मुझे मालूम था राम मंदिर आ जाएगा, मुझे मालूम था राम मंदिर आ जाएगा, मुझे मालूम था राम मंदिर आ जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, वो नाम बता दीजिए सर, बीजेपी वाले कौन कौन किसके घर पर रेड मारी है, मुझे नाम बता दीजिए, ताकि मैं शिल्पी जी को बता पाऊँ, ये देखो ये है बीजेपी के नेता, इनका मुंह बंद करना चाह रहा हूँ मैं। बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड जब मारी जाए, जब शिल्पी जी या अखिलेश जी या कांग्रेस के मित्र एक लिस्ट लेकर आएंगे और ये कहें कि इन लोगों के यहाँ रेड लगनी चाहिए, यहाँ काला धन है, अच्छा तो हमें जरूर आभास होगा। अब ये जो है हमारा काम नहीं है रेड मारना, अच्छा, ये काम सीबीआई का है, एक ऐसी व्यवस्था संस्था है लोकतांत्रिक कि जहाँ आर्मी को कोई दिक्कत होगा, तो फिर ये सपा वाले नेताओं के यहाँ क्यों जाती है, ये जो आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना नहीं, ये आईटी वहाँ सरकार का नहीं काम करता, वहाँ सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट, जितनी देश की संस्था ऐसी है अच्छा। जो विशेष रूप से कार्य करती है, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि परमिशन, ये आप कह रहे हैं कि हम तो दूध के धुले हैं, इसलिए हमारे यहाँ छापे नहीं पड़ सकते। चलिए मैं अभी बांध गया आपकी बात, लेकिन मेरी एक चिंता और थी प्रमुख साहब, आपने मुझे लिस्ट नहीं दिखाई, मैं चाह रहा था कि आपको लिस्ट दिखाएं और बताएं कि बीजेपी के किस किस नेता के घर पर आईटी के छापे पड़े, आप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आपने गोपनीय रखा हुआ है, हो सकता है कि आप छापे मारने जा रहे हो आने वाले वक्त में, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आपने नहीं बताया किनके घर पर छापेमारी, लेकिन मेरी एक चिंता और है इसके साथ, और एके मिश्रा जी उसको करेक्ट करेंगे अगर मेरी चिंता गलत है, नोटबंदी के बाद इतना काला धन इकट्ठा होना, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है या फिर नहीं? छोटा सा सवाल प्रमुख साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए नोटबंदी की बात अगर करें हम तो सबसे बड़ी बात, एक बड़ी गहन सवाल है, बड़ी लंबी डिबेट की चर्चा है तिलक जी, आज कश्मीर के जो आतंकवाद की कमर टूटी है वो नोटबंदी, बांग्लादेश और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करती हुई आई है। अच्छा, आपको शायद इस बात का आभास भी ना हो, नहीं मुझे इस नोटबंदी से कितनी कमर किस चीज की टूटी है, इस पर चैनल पर बैठकर बात करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर अगर आज हमारा बात हुआ है और कश्मीर में अगर नोटों की कमी पड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है कि नहीं, धन से लेकर नोटबंदी का डिसीजन बिल्कुल सफल और सख्ती का। प्रमुख जी मैं तो चाह रहा हूँ, आप नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद से आज तक कभी बीजेपी वालों ने लड्डू नहीं बांटे, मैं चाह रहा हूँ कि वो लड्डू बांटे, नोटबंदी याद दिलाएं लोगों को हमने नोटबंदी की थी, आप लोग दिलाते नहीं सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला ये है कि नहीं, इतने सारा काला धन इकट्ठा अगर कोई करके रखता है तो, अगर एक काला धन है तो, क्योंकि ये वाली रेड पर ध्यान दे पिछली वाली पर ना दे, मैं इसलिए कह रहा था, प्लीज कंटिन्यू। देखिए मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ इसमें सरकार का काम, कहाँ इसमें जो काम संस्था कर रही है सर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है या नहीं, मेरा छोटा सा सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का, नहीं है। देखिए बिल्कुल एक चीज मैं क्लियर करता हूँ तिलक जी, प्लीज, राष्ट्रीय सुरक्षा अलग सिस्टम है और जो काम चल रहा है ये अच्छा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला ही नहीं जोड़ा जा सकता, थैंक यू, दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा दोनों में अंतर, अगर मुझे तो लगा कि मसला मुझे तो लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है,
राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला मुझे लगा कि नोटबंदी काला धन और वो राष्ट्रीय सुरक्षा, इसलिए भी मैंने पूछा, आपने कहा दोनों अलग अलग है, चलिए ये भी मान गया मैं। अब शिल्पी जी आपसे मेरा सवाल है, ये इत्र के जो मित्र इकट्ठे किए हैं आपने, इत्र के मित्र, ये चक्कर क्या है ये तो बताइए, इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या गम है छुपा रहे हैं आप, ये इत्र के मित्र कितना रखे हैं आप? हमें कोई गम नहीं, हमें कोई गम नहीं है, सबको पता है कि बीजेपी अपनी मिटाने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। जो बूमरैंग इनको पीयूष जैन के मामले में पड़ा था उसके ऊपर कुछ तो निपापोती ने करनी थी, तो करे शाम तक कुछ ना कुछ तो इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे, कल तक हो सकता है ये और क्लियर हो जाए आपको तकलीफ क्यों हो रही है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो आप स्वागत करिए, आप स्वागत करिए, अगर ये रेट सही पड़ी है, अवैध संपत्ति जब्त हुई है, तो आप इसका स्वागत करिए और प्रमुख साहब को बधाई दीजिए, बधाई दीजिए प्रमुख साहब को। मैंने पिछली डिबेट में भी स्वागत किया था, बधाई मैं उनको तब दूंगी जब ये छापे निष्पक्ष रूप से पड़े। कैसे? जब ये सारे नेताओं से पड़े, पार्टी विशेष के लोगों को टारगेट करके अगर आप कोई काम करेंगे तो ये दिख ही रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जनता का जो दबाव आप पर पड़ रहा है, जनता की जो भीड़ आपको दिख रही है, एकदम बौखला गए हैं, प्रधानमंत्री हो, धन पशु के संरक्षण में खड़े हो, धन पशु के संरक्षण में खड़े हो आप, धन पशु के संरक्षण में खड़े हो, कोई भी एक्स वाई जेड धन पशु के संरक्षण में खड़े हो आप। साबित कहाँ हुआ है? जिसका जो धन पशु साबित हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला, अच्छा भारतीय जनता पार्टी से पुष्पराज जैन जी कितने बड़े धन पशु है इसको साबित तो होने दीजिए। आपकी बात कलेक्ट हो गई है, नोट कर लीजिए, अभी से परेशान हो गई था, लेकिन अगले 5 साल मिलने जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमल इस समय है, केशव प्रसाद मौर्य जैसा भ्रष्ट व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार की बातें करेगा तो यह हंसने की बात है। व्यक्ति विशेष को टिप्पणी ना करें, कहीं मुझे अखिलेश जी के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ा दिक्कत होगी। केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री पर 1200 करोड़ की चोरी है, 1200 करोड़ की चोरी है, आपके नेताओं पर आर्थिक संपत्ति के केशव प्रसाद जी पर मुकदमा नहीं है, आपकी लैंग्वेज जो है वो तरीके से होनी चाहिए और शिष्टाचारी होनी चाहिए, वरना आपको बड़ा दुख लगेगा शिल्पी जी, अगर थोड़ा भी चोर कहना शुरू कर दिया तो बाकी सब कुछ हो गया इनका, गए मंत्री नहीं 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 शिल्पी जी, शिल्पी जी इतना तकलीफ नहीं, आज आप मुझे बहुत तकलीफ में दिखाई दे रही है, नहीं 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 आप हमाम साहब, हमाम साहब, ओके ओके प्रमुख साहब, प्रमुख साहब एक सेकेंड, अच्छा आप प्लीज, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, व्यक्तिगत नहीं शिल्पी जी, प्लीज शिल्पी जी, शिल्पी जी नहीं, शिल्पी जी नहीं प्लीज, एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज, एक सेकेंड प्रमुख साहब, प्रमुख साहब प्लीज, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड शिल्पी जी, शिल्पी जी का ऑडियो नीचे, शिल्पी जी का ऑडियो नीचे, शिल्पी जी, शिल्पी जी का ऑडियो नीचे, अपने सहयोगी से चाहूंगा शिल्पी जी का ऑडियो नीचे, शिल्पी जी प्लीज, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्लीज सम्मान के साथ शब्दों का इस्तेमाल करें, नो ना इस तरह के शब्द नहीं, नहीं हमाम साहब, ना ना प्रमुख साहब प्लीज, ये चिल्लम चिल्ली नहीं, ये वो वाला थोड़ी ना राष्ट्रहित के नाम पर टकराव लड़ा दो भिड़ा दो वाला, एक सेकेंड ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, शिल्पी जी प्रमुख साहब आप दोनों जानते हैं, मुझे भी टकराना लड़ाना भिड़ाना होता तो मैं लड़ा देता, राष्ट्रहित के नाम पर कौन क्या करता है वो सब जानते हैं, चर्चा करनी है तो इस चर्चा का हिस्सा बनिए, प्रमुख साहब प्लीज प्लीज, शिल्पी जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप दोनों मेरे सम्मानित हैं, ये वो वाला नहीं है ना, आप जानते हैं शिल्पी जी ये वो वाला नहीं है,
वो जो 7 बजे यूं यूं करके करता है। इन्हीं लोगों ने, ये वही प्रधानमंत्री है जो कांग्रेस की। ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, वहां पे जाके लड़ो उसके चैनल पर, यहां मत लड़ो। ये राष्ट्रहित के नाम पर मैं नहीं लड़वाता, यहां जो लड़वाता है वो सब जानता है, पूरा देश जानता है। राष्ट्रहित कंगना का छज्जा, ऑडियो नीचे सबका। हमाम साहब, आप इस छापेमारी का स्वागत करते हैं या फिर नहीं? क्या बात हुई हमाम साहब, आप इस छापेमारी का स्वागत करते हैं या फिर नहीं? कल मिलना डिबेट होगा। हमाम साहब, मेरा ऑडियो आना है? जी जी, आवाज मिल रही है जी। मैंने कहा स्वागत करते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के सामने क्या संदेश भेजा था कि काला धन समाप्त हो गया। आज दीवारों से काला धन कहां से निकल रहा है? और 4.5 साल तक आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये सारी नई नोट है, पुरानी नोट तो नोटबंदी में खत्म हो गई थी। ये सारी नई नोट जो दीवारों के अंदर से निकल रही है, 5.5 साल तक आप उसका इंतजार करते रहे। और जब सामने चुनाव आया, जब आपको चंदे की जरूरत हुई, तो आप सीबीआई और ईडी जो सारे संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाया था देश हित में, आज आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करके चंदा जुटाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, 177 करोड़ रुपया जिसे डीजीजीआई ने टर्नओवर मान लिया इतनी बेशर्मी से, आप बताइए, टर्नओवर का पैसा बैंक में होता है, दीवारों के अंदर नहीं छुपाया जाता है, बड़ी आसानी से आपने उसको टर्नओवर मान लिया। तो जिस तरीके से आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आप 5 साल तक किस बात का इंतजार करते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार है, इसने युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है, महिलाओं, किसी एक मुद्दे पे आपने एक इंडस्ट्री नहीं लगाए, एक पावर प्लांट नहीं लगाया, एक बिजली का घर नहीं बनाया। आप बात कर रहे हैं, हमाम साहब सवाल पूछो, फिर मैं मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। हमाम साहब, हमाम साहब प्रमुख जी, एक सेकंड, हमाम साहब, हमाम साहब, एक एक मिनट, हमाम साहब, हम कंपेयर कर लीजिए, एक 60 वर्षों में क्या हुआ देश के साथ? प्रमुख साहब, मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपकी बारी आएगी, आप इंतजार करिए। ये भोपू बंद कराइए, मैं इस तरीके के प्रवक्ताओं से बहस नहीं करता। प्रमुख साहब, हमाम साहब, इनको हमाम साहब, प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब प्लीज, प्लीज हमाम साहब प्लीज, एक दूसरे का सम्मान करिए प्लीज। प्रमुख साहब प्लीज, प्लीज हमाम साहब, मुझे एक बार बताइए, क्या किसी, हमाम साहब, ओके, एक सेकेंड, बंद कराइए, इस तरीके की बहस मैं नहीं करता, कोई नहीं सुन रहा, आप जैसे गुंडों की इस तरीके की बहस में मैं नहीं पड़ता। गुंडागर्दी आपके घर में होती है शिल्प जी, आप गुंडागर्दी करिए, यहाँ नहीं चलेगी आपकी गुंडई। जो गुंडा राज आपने उत्तर प्रदेश में पूरे 4.5 साल से लगाया हुआ है, वो यहाँ नहीं चलने वाली, आपके दिन खत्म। हमाम साहब मुद्दे पर आए, प्रमुख साहब मैं ऑडियो नीचे कर रहा हूं आप लोगों का। प्रमुख साहब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आप लोगों का ऑडियो नीचे करूं, आप सभी सम्मानित हैं। हमाम साहब सवाल सुन लीजिए, हमाम साहब सवाल सुन लीजिए, प्रमुख साहब का ऑडियो उठाइए, प्रमुख साहब का ऑडियो उठाइए। मिश्रा जी वापस मठ में, मिश्रा जी घंटा बजाइए, देश चलाने की मिश्रा, एके मिश्रा, मैं एके मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। आप लोग चिल्लम चिल्ली से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा। हमाम साहब एक एक करके प्लीज, प्लीज एक एक करके, प्रमुख साहब नहीं है, प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब प्लीज, घंटा बजाइए, घंटा टन टन टन, प्रमुख साहब प्लीज, सरकार चलाना सबके पास, ये कांग्रेस पार्टी थी। प्रमुख साहब आज चुनावी रैली नहीं की आपने, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने संस्थाएं बनाई, आप इसी
पे राज कर रहे हैं, मोदी जी वही सब कुछ बेच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रमुख साहब? बीएसएनएल किसने बनाया? हमने बनाया था। आप बेच रहे हैं। एयरपोर्ट किसने बनाया? हमने बनाया था। आप बेच रहे हैं। अंबानी अडानी का गुलाम भारत नहीं होगा। ए के मिश्रा, मैं माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, सबका ऑडियो नीचे। अब आज लग रहा है प्रमुख साहब ने चुनावी रैली नहीं की, पूरे यहीं पे कसर निकाल रहे हैं। मैं आ रहा हूं हमाम साहब, अब मैंने ऑडियो नीचे कर दिया, प्लीज माफी के साथ। मैं ऐसी चर्चा में पड़ता ही नहीं। वो जो राष्ट्रहित के नाम पर लोगों को टकरा रहा, लड़वा रहा, भिड़वा रहा है, वो ये चर्चा करवाता है, मैं नहीं करवाता। जिसने पत्रकारिता को कलंकित किया है वो ये चर्चा करवाता है, मैं नहीं करवाता। वो राष्ट्रहित के नाम पर जो हिंदू मुसलमान को लड़वाता है ये वो चर्चा करवाता है, मैं नहीं करवाता। प्लीज प्रमुख साहब, आप ऑडियो नीचे। ए के मिश्रा जी, ये चल क्या रहा है? चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये जांच की आंच पड़ी तो इतना तड़प क्यों रहे हैं ये लोग? चावला जी, देखिए, आपका जो एक बेसिक सवाल था पहले राउंड में, आप पूछना चाहते थे नोटबंदी की और तमाम मीजर लिए उसके बाद भी इतने जो है ब्लैक मनी निकल रही है, काला धन निकल रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो। तो अगर इकोनॉमिक प्रोसेस जो होता है उसमें देखें तो नोटबंदी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने नए नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए थे। जब नए नोट सर्कुलेट किए थे और अगर यहाँ मार्केट में किसी भी पार्टी के लोग हों, कालाबाजारी करने वाले लोग रहेंगे, तो वो जो काला धन है फिर से रीअकरेंट होने लगता है, रक्त बीज की तरह। ये एक प्रोसेस है, उसके लिए कॉन्टिन्यूस जो है इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। रही बात अब इस हम रेट पे आ जाते हैं, तो इसमें तो समाजवादी पार्टी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। जब ये पैसे पकड़े गए तो आईटी वालों ने तो कुछ नहीं बोला, ये कौन से पार्टी के हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद वो समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं है, कभी चुनाव भी नहीं लड़े हैं और प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये काले धन का विरोध करते हैं विपक्ष या समाजवादी पार्टी, तो जबरदस्ती उसको निर्दोष साबित करने के लिए उसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं भाई? गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हैं? वो सरकार वगैरह साबित करेंगी कि वो काला धन था कि सफेद धन था, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप इतना डिफेंसिव हो रहे हैं उसके चक्कर में कि जैसे वो उसका पैसा ना हो कि आपका पैसा है। इसके कारण ये विवाद और गहरा गया। बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा ले लिया कि भाई आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जब आप आगे आगे उड़ता तीर लेंगे तो आपके विपक्षी दल क्यों नहीं फायदा लेंगे? रही बात, एक चीज और मैं बताऊं, जो घंटी और घंटा बजाने की बात कर रहे थे, ये मदरसा छाप जो डिबेटर बैठे हैं इनको मैं बता दूं, इनसे जरा पूछिए, मैं इनका ज्ञान देखना चाहता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था, एचडीएफसी का किसने किया था, आईडीबीआई का किसने किया था, कुछ ज्ञान है किसने किया था? अरे भैया पढ़ के आओ मेरे प्रभु, मदरसा में जा करके पहले मदरसा में जाके पहले एडमिशन लो, पहले मदरसा में जाके एडमिशन लो। तुम्हें पता है आईडीबीआई आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था? एयर इंडिया का क्या हुआ था पता है तुम्हें पता है एयर इंडिया के साथ क्या हुआ था? जाके मदरसा में 5,000 उठक बैठक करो, तब ज्ञान हजम होगा। ज्ञान की बातें घंटा बजाने की बातें मत करना दोबारा कभी। घंटा बजाने की बातें मत करना, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे। ज्ञान की बातें मत करना कभी, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे, बैठने नहीं पाओगे। इतना बेइज्जत करूंगा अगर घंटा का नाम लेकर के ज्ञान की बातें की। जाके मदरसे में पढ़ के आओ और इस 300 सवाल का जवाब मिल जाए। मिश्रा जी प्लीज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप कहां किस बात में कहां धर्म को नहीं प्लीज धर्म को इंगित कराने का कोई अधिकार नहीं है। रुपए के आदमी बैठ के धर्म बचाने के प्रमुख साहब सोनिया गांधी मिश्रा जी प्रमुख साहब कहते घंटा पर आवाज उठाएगी मदरसे में जाकर घंटा नहीं चलके घंटी बजाई है। प्रमुख साहब कैसे बोलता है घंटे के बारे में? प्रमुख साहब मैं कहकर पूरा बयान लगाने की बात कर दूं। प्रमुख साहब प्लीज होते हैं आप तो अच्छी जवाब लगाने की बात कर दूं। प्रमुख साहब प्लीज, मिश्रा जी प्लीज प्लीज, आप जिस मुद्दे पे थे उसी पे रहिए प्लीज। एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, देवेंद्र प्रमुख साहब प्लीज, अब यही पे धर्मयुद्ध छेड़ोगे क्या?
ये धर्म युद्ध यही छेड़ोगे आप, यही धर्म संसद लगाओगे। ओके ऑडियो नीचे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक बात शिल्पी जी, जो बात मिश्रा जी ने उठाई मैं उसी पर आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भैया इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पैसा समाजवादियों का है इस वजह से परेशान हो रहे हो। अब जवाब दीजिए शिल्पी जी। मैं और शिल्पी मैम एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोलता हूं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी छापा डाले ना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को प्रयोग करके, निकलने दीजिए, काला धन पैदा होता रहेगा उसको रोकते रहिए निकालते रहिए। ना मैं तो स्वागत करता हूँ, काला धन हो, काला धन हो, गोरा धन हो, जो भी धन हो वो धन जनता के सामने है। अब मुझे शिल्पी जी प्रमुख साहब हो गया ना, प्रमुख साहब हो गया, प्रमुख साहब हो गया, प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म कर दूं। प्रमुख साहब आप चाह रहे हैं मैं सवाल ना पूछूं? प्रमुख साहब मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रमुख साहब इलेक्टर धर्म को इंगित करना, प्रमुख साहब प्रमुख साहब और खासकर अगर कोई मुस्लिम प्रमुख पे बैठा है तो उसे उसकी औकात बता दीजिए। प्रमुख साहब प्लीज, पाकिस्तान नहीं है। प्रमुख साहब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रमुख साहब क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप प्रमुख साहब? प्रमुख साहब मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। प्रमुख साहब हिंदू नेता की ताकत है, उठाकर दिखाइए घंटा पर सवाल। प्रमुख साहब बीजेपी अलग है, राजनीति अलग है, और घंटा हम है, सनातनी हम है, सनातनी रक्षा के लिए बने हैं, उसके बाद राजनीति है। प्रमुख साहब बेशक करो शिल्पी, प्रमुख साहब बेशक करो अखिलेश यादव, और बेशक करो सानिया और उसका पुत्र और उसकी बेटी करो, उनकी दबाव होगी। प्रमुख साहब धर्म का किसी को पता ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? है मुसलमान है, ये क्या कर रहे हैं आप? हिंदू है या सिख है? प्रमुख साहब वो किसी पर भी सवाल उठा सकते। प्रमुख साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा प्लीज, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। आप कभी ऐसे आपा नहीं खोते अपना, आज क्या हो गया आपको? सर ये आपा खोने की बात है, ऐसे मदरसा साहब तिलक साहब आप एक विद्वान एंकर हैं, हमने आपके साथ हजारों डिबेट की है, ऐसे मदरसा छाप अज्ञानी को मत, बात ब्लैक मनी पे हो रही है, बात मैं वही कह रहा ना उसी पर आइए ना मिश्रा जी, मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं करता। उसमें घंटा क्यों आ गया? अब वो अब बात उन्होंने रखी, आपने अपनी बात रख दी, बात खत्म करिए ना। इतने प्लीज तरीके से बात नहीं रखी जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, भावनाओं को प्लीज करने की बात है प्लीज। रही बात नॉलेज की, तो चैलेंज है जिस दिन जिसको परखना हो बैठ जाए। हाँ ठीक, हम कुछ लेके नहीं बैठे, मैं आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने नहीं बैठा मैं, प्लीज एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज। प्रमुख साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मसला तो यही है ना कि आपने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद जो एक मिश्रा कह रहे हैं कि इतना पैसा आया कहां से आया देखिए, और ठीक चुनाव से पहले ही ये छापे, क्या ये सवाल नहीं खड़ा करते? तिलक सर मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि नोटबंदी की बात छोड़िए, 2014 से जो बदलाव इस देश में आए वो 500 वर्ष का हिसाब है, जो 500 वर्षों में नहीं हुआ, 60 की बात नहीं कर रहा, स्पष्ट कर रहा हूं, 500 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 7 वर्षों में हुआ, 60 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 7.5 वर्ष में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो 60 वर्ष में नहीं हुआ वो 4.5 वर्ष में हुआ। आप नोटबंदी पर चर्चा मत कीजिए, सारी चर्चा कीजिए ऐसी ऐसी चीजें बदली है, और दुआ मनाइए, दुआ मनाइए वो चोर लोग, एक देही कागजा आ गई, 2 वर्ष कोरोना काल में निकल गए, नहीं तो बहुत लोग अब तक नंगे। एक मिश्रा ने एक वैलिड सवाल उठाया, मैं उसी पर आ रहा हूँ, नोटबंदी के बाद नहीं एक मिश्रा मैं ये कह रहा हूँ कि तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, बस काला धन है तो काला धन बाहर आना चाहिए, वो चाहे किसी के पास हो, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो एके मिश्रा ने सवाल उठाया, नोटबंदी के बाद इतना पैसा इकट्ठा कहां से हो गया? एके मिश्रा अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये बोल रहा था इकोनॉमिक प्रोसेस देखिए, नोटबंदी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैश का इनफ्लो मार्केट में नहीं किया,
नोटबंदी के बाद भी नए नोट मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिए। अब चूंकि 120 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे, चीजों को मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट 100% मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। साढ़े चार साल अच्छा फर्जी बिल अभी, अरे सर आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे चाला जी, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा कर लेने दीजिए। अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, साढ़े चार साल के बाद ये लिस्ट क्यों आती है? ये अरे मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने तो नहीं मैंने तो विपक्ष के शिल्पी मैम बैठी है, मैंने पूछिए ना विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं राजस्थान में, क्यों नहीं बंगाल में, क्यों नहीं जो है बॉम्बे में मार रहे हैं, ये छापा मार रहे हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टेट या इकोनॉमिक जगह हब तो बॉम्बे है, अगर विपक्ष की सरकारें हैं तो वहां क्यों नहीं मार रहे हैं बीजेपी वालों के यहाँ छापा? हो सकता है उनके यहाँ से भी 1,000-2,000 करोड़ निकले। जनता का भला जहां से हो, ये रक्त बीज की तरह का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मनी हर बार ये बनता रहेगा, हर बार इसको सफाई करने की जरूरत है। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना टाइट किया, सब लोग चिल्लाने लगे कि भैया ये कैश में इन्होंने बंद कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, 100% अगर ये कर देंगे तब तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी ढील दी हुई है, इतना कैश मार्केट में है, तब इतनी हालत खराब कर रहे हैं विपक्ष वाले, न जाने क्या क्या बता रहे हैं, घंटी और घंटा से उसको जोड़ रहे हैं। और अगर 100% इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए कैश, तभी ये ब्लैक की प्रॉब्लम तभी खत्म होगी, ब्लैक मनी की, जब 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी ट्रांसफर का इंतजार करवा दीजिए सर। मेरा सवाल यही था कि 4.5 साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ रोज छापे, 50 लोगों छापे, टाइमिंग का ऊपर सवाल है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि 4.5 साल क्यों इंतजार कर रहे हो? देखिए क्या होता है कि मैं 4.5 साल हो गए, 2500 साल से वो पीयूष जैन रहता था, उसके घर के बगल के लोग नहीं जान पाए, कन्नौज से अखिलेश यादव की वाइफ चुनाव लड़ती हैं, इतने दिन तक चुनाव लड़ी है, उनको नहीं पता चल पाया जब उनकी सरकार थी। ये 200-250 करोड़ कोई एक महीने 4 साल में जमा किया हुआ संपत्ति है। अखिलेश यादव की वाइफ जब वहां से चुनाव लड़ती थी तो उनको क्यों नहीं पता चल पाया, मुझे बताइए? हो सकता है उस गली में भी वो गई हो, वहां पे चुनाव वोट मांगने के लिए गई ही होंगी। है कोई जवाब आपके पास या चौधरी मैम के पास हो तो बताइए। मेरा ये जब पकड़ में आते मतलब हैं, आप ये कह रहे हैं कि 4.5 साल के बाद पकड़ सर में इसमें देखिए अपराधियों का कोई भरोसा नहीं, जब पकड़ में आ जाए, जब रेड हैंडेड हो जाए। कोई अपराधी 25 साल अपराध करता रहता है, 10 साल के बाद पकड़ में आता है, अब उसके लिए क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं? मैंने इसीलिए ओपन कर दिया कि पक्ष विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं धुआंधार आप लोग रेड मारिए, ये कह रहे हैं कि भाई सरकारें तो आपकी भी राज्यों में हैं, कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र में मारिए छापेमारी, कौन रोकता है? पकड़िए ऐसे धन पशु जो हैं, जो घूम रहे हैं, उनको पकड़िए, और आप विरोध कर रहे हैं उस बात का। कांग्रेस पार्टी जो सरकार चलाती है वो लोकतांत्रिक वे में चलाती है, और हम हमारी जो कार्रवाई होती है उसमें पूरी पारदर्शिता होती है। इस तरीके से पक्ष और विपक्ष को देखकर हम काम नहीं करती है, और हमने कार्रवाई किया। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उन्हें 5 साल से कर रही थी, अब जब चुनाव सामने आया है इस तरीके की कार्रवाई हो रही। और मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो विपक्ष थे, जो इंडिपेंडेंट थे, इनके दल के विधायक 170 ऐसे विधायक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे। आपके हमारे तो विधायक पे आपके राष्ट्रीय नेताओं पर भी हैं, वो जमानत पर है सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका भी, पता आपको कौन कौन थी? और आपकी पार्टी के जो दामाद है ना बाड्रा जी, वो तो उनपे तो डबल जमानत में रखी है, उनपे तो विदेश की संपत्ति देने वाले हैं, ये सब जमानत ले लेकर घूम रहे हैं, क्या इनके बाबा का खाना करा चलता है? ये 60 वर्षों से देश का लोग मिश्रा जी धज्जियां उड़ा रहे थे। मिश्रा जी ओके, एक मिनट हमाम साहब मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे, क्या किसी कांग्रेसी नेता के यहाँ भी छापेमारी हुई क्या अभी? या क्योंकि अभी प्रमुख साहब बता रहे थे मुझे कि अभी रुक जाओ, अभी तो और छापे पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगा मुझे धमकी दे रहे हैं। वो लोकतांत्रिक वे में सरकार चलाते हैं और हम अच्छा आपके यहाँ नहीं पड़े ना अभी
अच्छा इनके यहाँ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आप पूछ लेता हूँ प्रमुख साहब, ये कांग्रेसियों के यहाँ पढ़ेंगे कि नहीं पूछ लेता हूँ ना आपके सामने, एक सेकंड हम आम साहब एक मिनट पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ पार्टी के एक मिनट पूछ लेता हूँ प्रमुख साहब, ये हमाम साहब के यहाँ कुछ प्लान है क्या? देखिए तिलक जी, ये डिबेट का हिस्सा है, हमाम साहब के यहाँ या सिप्पी जी के यहाँ या आप और मैं भी बैठे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सीबीआई का, ईडी का, ऐसी एजेंसियों का काम है। अच्छा आपके राज में तोते नहीं है, काम करती है। अच्छा आपके राज में आपने तोते खुले छोड़ दिए है ना? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्वीकार करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि यूपी में गलत हो रहा है तो आप महाराष्ट्र में कराइए, आप राजस्थान में कराइए, आप साथ साथ जो पंजाब में कराइए। अरे देखिए आप अपनी औकात तो देखिए कि कितनी सीबीआई तुम्हारे हाथ में, ईडी कितनी हाथ में है। अगर तुम करा सकते, हम करा रहे तो तुम भी करा लो, वरना तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि चोर तुम्हारे यहाँ पहले से ही ज्यादा है। इस देश में 70 साल के वर्ष में 60 वर्ष तुम्हारे रहे हैं अकेले, और सारी चोरी और सारी सीमा हमाम साहब ये कह रहे हैं, हमाम साहब कह रहे हैं अपने 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 घर में जरा अपने घर से चोर तलाशो को कह रहे प्रमुख साहब, पानी पियो ना, इतना इतना नहीं प्रमुख साहब, पानी पी के कोसो, पानी पी लो आराम से प्रमुख साहब, पानी पी लो आराम से, पानी पियो एक सेकंड हमाम साहब, अरे माल तो आप ही के तो मिलेगा हमाम साहब, अरे मैं पूरा हरियाणा को बढ़ेरा बेच कर खा गया, पता नहीं है आप लोगों को, सबको जेल में डालो ना, कौन सी एजेंसी है जांच कर रही है? साहब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे जाना पड़ेगा भाई, सत्ता में हो तो दिल बड़ा करो, सत्ता में हो दिल बड़ा करो, जाना पड़ेगा भाई सत्ता में हो के साथ। ओके ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं दोषी है और काला धन छिपा भी यही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी 7 वर्ष मिले हैं जी, और साथ में से 2.5 कोरोना खा गया जी, जी वैश्विक महामारी खा गई, हाँ वरना तो राम राज्य आ जाता, वरना राम राज्य आ जाता, वरना राम राज्य आ जाता प्रमुख साहब, मैं समझ गया प्रमुख साहब, मैं समझ गया राम राज्य आ जाता, आपकी बात समझ गया। लेकिन हमाम साहब मुझे एक बात बताइए ना, वो कह तो रहे कि मैं चुनौती देता हूँ, आप लोग अपने राज्यों में मारी छापे, क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कौन रोक रहा है? फिर आ रहा हूँ मैं आपके पास एक मिश्रा जी, हमाम साहब दोबारा से कनेक्ट करते हैं हमाम साहब को। लेकिन एके मिश्रा, ये छापे जो ये कह रहे हैं कि अपने राज्यों में छापेमारी करो ना, कौन रोक रहा है? प्रमुख साहब बोल रहे हैं, फिर मैं मिश्रा जी आपके नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जी हो गया ना, तिलक सर इनकी सरकार है प्रमुख साहब, हो गया ना, थोड़ी देर अब मोर्चा संभाल लेंगे एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा मोर्चा संभाल लेंगे प्रमुख साहब, आप मौका नहीं दे रहे एके मिश्रा साहब को, अपनी खिदमत में कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे आप, एक मिनट रुकिए ना, संभाल लेंगे वो मोर्चा एके मिश्रा जी, एक सेकंड हमाम साहब, आप जी वो कह रहे हैं अपने राज्यों में छापे मारिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्ते को डाइवर्ट करने में माहिर है, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, कार्रवाई इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात की हो रही है, आप पंजाब पहुंच जा रहे हैं, आप राजस्थान पहुंच जा रहे हैं, जब राजस्थान के मुद्दे पे डिबेट होगी महोदय, अच्छा तभी बात करेंगे राजस्थान, काला धन राष्ट्रीय मुद्दा है, काला धन किसी प्रदेश का मुद्दा नहीं है, 2000 की नोट राष्ट्रीय संपत्ति होती है, प्रदेश कोई कोई प्रदेश की सरकार जो है नहीं छापती है, उत्तर प्रदेश में है कार्रवाई, अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, डिबेट का मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, हमने कार्रवाई करके राजस्थान में देखा है, हमने 5 साल, अच्छा एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी हमने नहीं किया, अच्छा ओके ओके, कल तक सवाल सरकार से पूछने वाले आज, अच्छा मुझे एक बात बताइए एके मिश्रा जी, खैर वो अलग विषय है, लेकिन ये जो ठीक है आपका हृदय परिवर्तन हो तमाम बातें, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये चुनावी मौसम में जो झमाझम छापे पड़ रहे हैं, ये इससे कुछ संदेह होता है आपको? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने कई बार आपके डिबेट में भी बोला हूँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के चरणों में वंदना करता हूँ कि हे प्रभु 5 साल का इलेक्शन आप साल भर में कर दीजिए, क्योंकि सारी पार्टियां काम तो समय पे करती नहीं है, इलेक्शन होने के 2 साल पहले एक्टिव होती हैं, तो कम से कम इसी बहाने लास्ट ईयर में जाके, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जो धुआंधार काम, समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा परियोजना का उद्घाटन अखिलेश भैया ने कर दिया था, 4 साल में नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
तो इलेक्शन कमीशन अगर इस चुनाव को 5 साल से हटा के 1 साल में कर देना तो टेन्योर कम होने के कारण जो है पार्टियों के ऊपर प्रेशर रहेगा परफॉर्मेंस का, तो वो इतना ज्यादा काम करेंगी, कम से कम लास्ट ईयर में ही काम हो, 5 साल के बराबर काम 1 साल में हो जी, तो ये भी जनता के लिए गनीमत है। ओके ओके, अभी ये मैसेज आया उस पे यूट्यूब पर कि लोग जानना चाह रहे हैं कि एके मिश्रा जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, मैं क्या बताऊं? मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ, नहीं आप उनको सीधे से बता दीजिए। बता देता हूं, मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, और मैंने ऐसी कौन सी अपने सिद्धांत को बदलने वाली मैंने कोई बात नहीं कही है। मैं मानता हूं, मैं पता नहीं क्यों ऐसे व्यूअर तो लगा होगा, लग गया होगा सर, उनको लग रहा होगा ना। हाँ, लग रहा होगा, बीच में वो पूरा उन्होंने देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा उन्होंने। प्रमुख साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे, मुस्कुराइए मत। वो मिश्रा जी कह रहे हैं मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आप सोच रहे होंगे मेरी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं मिश्रा जी। खैर, मैं एक बात शिल्पी जी आपसे जानना चाह रहा था, शिल्पी जी दोबारा से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। मैं शिल्पी जी, सीधा सी एक बात है, सीधी सी एक लॉजिक है, अगर काला धन पकड़ा जा रहा है, अगर पकड़ा जा रहा है तो ये तो खुशी की बात है ना, आप लोग इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं शिल्पी जी? नहीं, हम लोग कतई चिंतित नहीं है, हम पहले दिन से नहीं। और मिश्रा जी की बात का मैं जवाब दूंगी कि जो वो ये कह रहे हैं कि हम डिफेंस में कूद गए, नहीं 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 मिश्रा जी, अगर पूरे दिन पहले पीयूष जैन के घर पर जब छापा पड़ा, पूरे दिन हर समाचार चैनल ने चलाया समाजवादी पार्टी के इत्र व्यापारी के घर छापा पड़ा, तो ये करेक्शनल, ये मतलब इतनी बड़ी गलती से मिस्टेक हो गई टाइप की मिस्टेक थी, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसके डिफेंस में ना आए, हैं? फिर आप कह रहे हैं आपने उड़ता तीर ले लिया। अच्छी बात है, ऐसा होता है कि कभी कभी भाजपा से दो दो क्या तीन तीन प्रवक्ता बैठ जाते हैं, अभी तो कम से कम निष्पक्ष हैं जो एंकर हैं। हमने तो ऐसी भी डिबेट देखी है कि जिसमें एक संघ विचारक, एक पत्रकार, एक वकील, एक भाजपा प्रवक्ता और पांचवें एंकर खुद भाजपा के प्रवक्ता होते हैं। नहीं मिश्रा जी, हमने आपका बात का जवाब दिया, और देखिए मैंने नहीं, हमको दो नहीं हमको चार मिल जाएं, लेकिन हम निष्पक्ष बात करते हैं। आप तरीके से हिंदू मुसलमान किया वो दिख रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान, आप पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे थे, आप हिंदू धर्म निभाने पे आ गए थे, आप हिंदू और मुसलमान करने लगे, मदरसे वाले यहाँ पे बैठे नहीं, शिल्पी जी मुद्दे पर आए। एके मिश्रा जी घंटा तो चर्च पे भी लगा होता है, घंटा चर्च पे भी लगा होता है। अगर वो आपकी पार्टी का नेता नहीं था तो आप डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, आप तो उससे रिश्तेदारी निभाने लगे दे रहे हैं। अरे शर्म करिए मिश्रा जी, चर्च पे भी घंटा लगा होता है, देखिए जाके, हमें किसी और से मतलब नहीं है, पता नहीं, अरे चर्च पे भी घंटा लगा होता है, अगर कोई क्रिश्चियन होता तो वो बोलता, सनातन के शिल्पी जी मजाक उड़ाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। डिबेटर आज ना ना, एक मिनट, ऑडियो नीचे सबका ऑडियो नीचे। मिश्रा जी प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए, आज इतना सब क्रोधित हैं क्या? सब यहाँ सात 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 वाले कार्यक्रम से होकर आ रहे हैं क्या? वो लड़ा दूंगा, टकरा दूंगा, भिड़ा दूंगा, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, क्या वहीं से होकर आ रहे हो क्या सब, जिसने पत्रकारिता को मजाक बना रखा है वहीं से आ रहे हो क्या सारे? प्लीज मेरी दरख्वास्त है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैंने, हो सकता है प्रमुख साहब ने एक घंटे में वो लिस्ट इकट्ठी कर ली होगी कि किस किस बीजेपी घर में छापा पड़ा है, बीजेपी नेता के घर में। मेरा एक महत्वपूर्ण, एक मिनट, मैं ये इस बात को क्यों कह रहा हूं प्रमुख साहब, हमाम साहब, मेरा ये कहना है कि वो एक कहानी थी ना सीआर वाली, सीआर आया, आ गया, सीआर आया, देखो, ये उनके लिए भी है, वो राष्ट्रवाद वाले के लिए। मेरा ये कहना है, क्या अब की बार ये पम्मी जैन जिसका नाम लिया जा रहा है, अब की बार ये पम्मी जैन वाली रेड जो है वो सही है ना? ये तो कंफर्म है ना प्रमुख साहब, ये वाली तो सही है ना? रिटर्न तो ना निकल आएगा फिर, वरना फिर सीआर आया, असली सीआर आया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रमुख साहब प्लीज, तिलक जी मेरा ऑडियो जो है बार बार म्यूट कर देते हैं आपके सर, ऑडियो वाले इनको कहो सर मेरी आवाज नहीं, मैं तो इनको साधुवाद दूंगा अपने सहयोगियों को, इनमें इतनी हिम्मत है कि बीजेपी नेताओं का
इन्होंने म्यूट कर दिया। हाँ नहीं मैं तो हाँ मेरे मेरे सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा कि इनमें इतनी हिम्मत है कि बीजेपी नेताओं का भी चैनल पे यहाँ पर म्यूट हो जाता है। ये वो वाला चैनल नहीं है, मैंने कहा ना राष्ट्रवाद के नाम पे जो टकराता लड़ाता भिड़ाता है। मैं अपने सहयोगी को सैल्यूट करता हूँ कि बीजेपी नेता को उसने म्यूट कर दिया। ये है तराजू सर, पक्षपात नहीं, तराजू सबको तोल कर बराबर तोला, शिल्पी जी को भी, हमाम जी को भी और आपको भी। अब मेरे सवाल का जवाब दे दो सर, सीआर आया। मेरी आवाज शायद महसूस होती है आपके स्टूडियो को। नहीं नहीं आपकी आवाज तो मेरे कानों में, मेरे कानों में 10 साल से गूंज रही है, 10 साल से खाना खाता हूँ। मेरी आवाज जो है बेशक कड़ी लगती है लेकिन दमदार होती है और साक्ष के साथ होती है, मैं शालीनता होती है। मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, किसी को लगता है कि मैं कड़ा बोल रहा हूँ, कठिन बोल रहा हूँ, तब भी मैं ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी जमी से हूँ कि पूरे देश में कड़ी और कठिन आवाज की जाती है। प्रमुख साहब मैं जानता हूँ, पुराना मानना है। हम मुद्दे पर आए, साथी सीआर की चिंता जो है वो मुझे लगता है, देखिए मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बात में दम होता है इसलिए सुनना भी पड़ता है। आज शिल्पी जी हंसरी बहुत थी लेकिन सारी बनावटी हंसी थी। मैं तो हमेशा अखिलेश जी भी कोशिश कर रहे थे, उनकी भी हंसी बनावटी थी। सीआर आया, हमें चिंता नहीं होती। और हमाम जी ने सीआर आया घंटा पर हमला करके गलत किया, डिसीजन को जो है अब देखिए चेंज किया। फिर अच्छा मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, सीआर आया मुद्दे पे बात, सीआर आया। मेरा सवाल वही है, इस बार वाला पक्का है ना? मैं क्लियर करता हूँ कि ये भी पक्का है और आने वाला समय भी पक्का है। अभी तो आप कह रहे थे आप छापे नहीं डलवा रहे, आपको कैसे मालूम कि क्लियर हो गया? आप कह रहे थे आप छापे नहीं डलवा रहे, आपने कैसे क्लियर कर दिया? लेकिन अपना काम कर रहे, आपने कैसे क्लियर कर दिया? आप कह रहे थे छापे नहीं डलवा रहा, मैं ईडी अपना काम करेगी तो दो नामी पर आएगा। फाइनल कमेंट हमाम साहब, फिर एक मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ। हम किसी को नहीं बचा, हमाम साहब हमाम साहब प्रमुख साहब कह रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो हमाम साहब? अगला नंबर ऑडियो नीचे, हमाम साहब का ऑडियो, हमाम साहब वो कह रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमाम साहब समझ लो, छेड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमाम साहब फाइनल कमेंट, वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, डर तो नहीं लग रहा? 5 साल तो निकल गए हैं, गिनती के दिन बचे हैं, जनता इनको नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहता है, ओके उत्तर प्रदेश, हाँ रोजगार पर पता नहीं कोई कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब तो जिन्ना भी आएगा, जिन्ना भी तो आ चुका, भाई जान अब्बा जान। एक है मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका, काला धन बनना एक इकोनॉमी का दुष्प्रभाव टाइप का होता है, जहां कैश रहेगा वो बनेगा। सरकारों को रोकने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं विपक्ष को बोलता हूं कि अगर आपको लगता है ये राजनीतिक प्रक्रिया है तो आप कोर्ट में जाइए और अपने स्टेट में भी आप छापे मरवाइए, भला तो जनता का होगा, पैसा तो आरबीआई में जाएगा, आप अपने राज्यों में काला धन निकलवाइए ना, रेदर देन किसी को डिफेंड करिए। ऐसे जैसे कि कोई वो जीजा हो आपका या साला हो, इस तरीके से रिश्तेदारी मत निभाइए। ओके, जिसके यहाँ पैसा पकड़ा जाए वो सरकार को जमा करवा दीजिए आरबीआई में, उसका साथ मत दीजिए, उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। ओके शिल्पी जी समझ लिया आपने, समझ लिया ना मिश्रा जी फंस रही है, टर्नओवर दिखा दीजिए। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, हमाम जी, देवेंद्र प्रमुख साहब, एके मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासी तूतू मैं नहीं, ये मसला वाकई गंभीर है। अगर नोटबंदी के बाद भी इतना धन, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना धन इकट्ठा हो कैसे गया, ये अपने आप में एक ऑप्शन जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।